ये हो रहा है मॉर्निंग में। माय वाइफ इज द हार्डेस्ट वर्किंग वाइफ इन द वर्ल्ड। सुबह के बज गए हैं 7:45। हाउ यू ऑल डूइंग, वेलकम बैक टू द चैनल। 30th August रविवार का दिन रहने का आज हम सवाल जवाब करेंगे। इंस्टाग्राम में स्टोरी डालता हूँ, लेट्स सी आज के सवाल जवाब कैसे आते हैं। बने रहिए एंड तक, देखने का पूरा एंटरटेनमेंट होगा, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे टू एवरीवन। हाउ आर यू ऑल डूइंग। 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो रखा था घर के कुछ ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, तो आज हमको जानने हैं आपके यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ कॉमेडी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको आप टैकल नहीं कर पाते। इधर लिखो, सीरियस प्रॉब्लम भी बता देना, वो भी शेयर कर देंगे। हाँ, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। A few moments later. सुबह के बज गए हैं 10 और हमारे घर पे आज बना है जादरिया। जादरिया क्या होता है आपको पता होगा, पोंक का जो लोट आता है ना, पोंक के लोट में मम्मी लोग घी और गुड़ और सब मिक्स करके उसको शेक के ऐसे हुखड़ी की तरह बनाते हैं। मेरा फेवरेट जादरिया, सो हैप्पी। और बच्चे लोग अभी एज यूजुअल मॉर्निंग हो रहा है उन लोगों का और ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है और मेरी मम्मी इधर पेपर पढ़ते हुए। तो ये है हमारा 24 घंटे का रिपोर्ट, 879 सब्सक्राइबर्स और 2400 व्यूज, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन। पहला रिप्लाई ऐसा आया है कि घर में जब पोछा लगता है, पोछा लगने के बाद मम्मी लोग जो डांट पड़ती है अगर पगला पड़ गया पीने में, तो पूल से भी पोछा करने में कितनी मेहनत होती है पता है आपको? देखो ये सबके घर में होता होगा, पोछा हो जाने के बाद लड़के लोग या फिर बच्चे लोग खखना बेहद पप्पा एक बहन एवं लिखू कि मारा हस्बन्ड टॉयलेट में जाए त्यारे एक कलाके बहार आवे छे, तो एने कहे केवू तमारे? ई तो कुदरती वस्तु छे। कुदरती नहीं, फोन लईને જાતા હોય ફોન લઈને, થોડુંક સંડાસમાં ફોન લઈને જવાની વસ્તુ છે, એટલી ન ખબર પડે કે ફોન લઈને સંડાસમાં ન જવાય, ફોન સંડાસમાં વાપરવાનો કે સંડાસ કરવાનો? બરાબર છે બાપા, એક 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 થોડુંક સજેશન આપો ને કે શું કરવું જોઈએ આટલી બધી વાર ન લાગે એના માટે। એ પોતે પોતાની હેબિટમાં સુધારો કરવા માટે કેમ ડાયજેશન પાવર વધે અને કેમ મોશન ખુલાસાવાર ઉતરે એ પોતે જાતે કરવાનું હોય, બરાબર છે, એમાં કોઈ કરી ન દે, આ કુદરતી વસ્તુ છે, બરાબર છે। અને સંડાસ હંમેશા પહેલી વખતે બેઠો અને ફાટ દઈને થયું એ જ મજા છે, એ જ મજા છે। ગટર છલકાય ઘરમાં એટલે ઘર બગડે, આ ગટર છલકાય એટલે શરીર બગડે, બરાબર છે, સીધી જ વાત। મોબાઈલ નો લઈ જવાય ને સંડાસમાં? મોબાઈલ તો કોઈ દિવસ ન લઈ જવાય, ભયંકરમાં ભયંકર વસ્તુ, મને તો એ સખત વિરોધ મારો। એક બિલાડી મોટો, એક બિલાડી મોટો, બિલી ને આવ્યા સાડી નો છેડો, મગર ના મોં માં મગર બિલાડી। શ્યામ કે બચ્ચું કે હૈ 5 ઓર હમ લોગ ને डिसाइड किया है कि एक के बाद एक हम लोग आपको जो इंस्टाग्राम में रिप्लाई आए थे सोशल घर की प्रॉब्लम के बारे में वो भी बातें करेंगे। सुबह घर काम वाली के हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है। वो तो पता है, काम वाली आने वाली होती है ना, तो हस्बैंड लोग बच्चे लोग सबको चीसा चीज करने लगते हैं, हम लोग इधर इधर हो जाए उधर हो जाए, काम वाली बाय आने वाली है जल्दी से ये कर लिए ये करिए ये करिए। पोछा लगाया है, पोछा मम्मी एक भाई ने ऐसा बोला है कि जब मासी का कॉल आता है तो मम्मी जबरदस्ती फोन देके क्यों हमको बात करने देती है कि ये बात करो, हमको पता नहीं होता हम क्या बात करें। वो तो व्यवहारिक बात है, हाँ सबके घर में ऐसा होता है, व्यवहार संभालने का, व्यवहार संभालने का। और कुछ बोलना चाहती हो? इसीलिए मम्मी बोलती है, इसीलिए मम्मी बोलती है, मम्मी कहते है वो मानते जाओ सब, इनके मम्मी के हाचू हुए बधु, तमारा माटे हर हुए। तो मासी के साथ बात करने का, सबके साथ, मम्मी बोलती है ना इसके साथ बात कर लो, उनके साथ करना, सबके साथ बात करना, सबके साथ। अच्छा, और एक भाई ने ऐसा लिखा है कि रजा के दिन बच्चे लोग को हमको ही क्यों संभालना होता है, मम्मी साथे मजा आएगा डैडी साथे? डैडी, अरे वाह।
डैडी दादा गमे के बा गमे दादा गमे के बा गमे दादा दादा गमे अरे वाह हमको बच्चे लोग के लिए टाइम नहीं होता है बिजी रहते तब तो जब रजा होती है तब बीवी लोग और घर की लेडीज लोग ऐसा सोचती है कि एटलीस्ट वो दिन तो वो लोग हमको बच्चे लोग को रखे तो वो फ्री होए क्योंकि 24 घंटे उन लोग की ड्यूटी रहती है तो समझ जाने का भाई है। तो एक मैसेज मम्मी के लिए भी आया है कि मम्मी ऐसा टोंट मारती है कि भाई फोन वापरी वापरी ने हाथ दुखी गया हुए तो मसाज करी दो तारू शू केव अमार तो मम्मी जो फोन वापरे क्या क्या अमार मम्मी ने कहू पड़े व्हाट्सएप बंद करो फोन वापरे ने याने काय नो थाय ओ माय गॉड फोन वगर ने जिंदगी अधूरी थी गई बधाई ने हे ने छोकरा ने होता ने के छोकरा नाना मोटा बधा ने फोन ज जोई छे हे ने एक बीजा भाई एवं कीधु के फोन रिसीव करवा बीजा रूम में जाइए ना तो पाछळथी अवाज आवे ओ भाई लाइट पंखा बंद करो तो भाई ये जे बोलता होय ने ये बात साची छे लाइट ने पंखा बंद करवा जोईए बिकॉज़ बिजली का बिल कौन तेरा आशीष चंचला ने एक वीडियो बनायो तो એમાં એ બહુ સારી રીતે એક્સપ્લેન કરેલું છે કે વીજળી બચાવવી જોઈએ આપણે ધીસ ઇઝ અ રિયલ પ્રોબ્લેમ ઇન ઓલ હાઉસીસ બધાના ઘરમાં આ પ્રોબ્લેમ હોય છે તો તમે ધ્યાન રાખજો ઓકે અને એક ભાઈ એમ કે છે કે સોફાના કવર સીધા રહેતા જ નથી આપણે બેસીએ એટલે અરખા ન રહે બગડી જાય અને મમ્મી ખીજાય તો આના વિશે સારિકા કહે છે એટલે જ અમે કવર જ નથી રાખતા પહેલા અમારે એ જ પ્રોબ્લેમ સેમ એ પ્રોબ્લેમ આવતો એટલે અમે કવર જ કાઢી જો તમે જોઈ શકો છો અમારા સોફામાં કવર જ નથી ગમે તેમ બેસ્ટ ઓપ્શન આપું છું કવર કાઢી નાખવાના એ જુકા બી વિડિયો ઉતારે છે માલુ તમે કહેતા હતા ને કોઈ એમ કહેતું હતું કે બેડરૂમમાં દોરી બાંધીને કપડાં સૂકવે છે કોણ હતું ઓ એ તો આપણા વિશાલભાઈ દેખો ભાઈ અમારા એક માસીભાઈને એસા બોલાયા બેડરૂમમાં દોરી ડાલ કે કપડે સુકાતે बारिश के मौसम में तो भाई कहाँ जाए ठीक है मेरे को भी कभी कभी पसंद नहीं है उसका एक बेस्ट ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कपड़ा निकालो ही मत नहाने का नहीं कपड़ा धोने का नहीं और एक भाई का बहुत फनी वे में आंसर आया है कि आई एम नॉट अलाउड टू लीव व्हाट्सएप ग्रुप हाउस फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप तो भी देखो भाई ये बहुत कॉमेडी होने वाला है सुनो भाई ये व्हाट्सएप ने ना पूरे मतलब दिमाग का हिला डाला है सब लोगों का मैं भी सहमत हूँ इससे ठीक है अभी ग्रुप बनने का चालू हो गया है तो मासियाई ग्रुप भाई बहन का ग्रुप फैमिली में 5 जने का ग्रुप 6 जने का ग्रुप परिवार का ग्रुप ये ग्रुप वो ग्रुप भाई ग्रुप बनाओ ठीक है पर कुछ भी मत सेंड करो यार सुबह सुबह उठ के 5:00-6:00 मैसेज आने लगते फॉरवर्डेड गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण ये वो भाई सबको सब पता है रोज़ एक की एक बात नहीं करने की ठीक है ये मेरे को विरोध है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रुप बनाया है तो कुछ प्रोडक्टिव बातें करो ठीक है सबको अच्छा लगे ऐसी बातें करो ठीक है कुछ नया जानकारी दे ऐसी बात करो ठीक है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब छोटे बच्चे जब होते हैं तो फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप होता है कहीं पे जाते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं लोकेशन भेजो अभी नहीं भेजे तो भी प्रॉब्लम भेजे तो भी प्रॉब्लम क्योंकि कभी कभार हमको भी कहीं पे जाना होता है वो लोकेशन चले नहीं तो क्या करें हैं तो ये सब भी तो देखना पड़ता है ना तो व्हाट्सएप का ग्रुप में अगर लीव नहीं कर सकते हो तो इतना करने का कि समझाने का अपने बुजुर्ग लोग को कि व्हाट्सएप दिया हुआ है ना उसमें सब इन्फॉर्मेशन शेयर करने का है ना कि कोई फॉरवर्डेड मैसेज टाइम टू टाइम शेयर करते रहो या फिर सबको दिमाग बगाड़ते रहो बहुत सारी चीज़ है भाई व्हाट्सएप में व्हाट्सएप आने से क्या अभी बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है मेरे को क्योंकि मैं अभी बोबड़ा गया हूँ तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो अंत करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट व्हेनेवर यू वॉचिंग दिस वीडियो विल सी यू टुमारो मजा आया हो तो कमेंट मार देना लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो बराबर बाय बाय।